हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ ही घंटे बचे हैं और अब आपको सोना है, सुबह आपका ही दिन होगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले वो सभी लोगों को, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और आप लोगों ने कुछ नया अगर पढ़ रहे हैं या नया कुछ देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार हम तो ये भूल ही गए हैं। तो इसलिए नया देखने का सभी लोग मना करते हैं कि नया कुछ मत देखिए, क्योंकि नया देखने से हमको टेंशन ही बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं, नया नहीं पढ़ना है। हालांकि मेरे कहने से या कोई आपको ये बोलेगा तो मन नहीं मानता है। जब भी कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसको ये लगता है हम ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। सबको पता रहता है कि हमको नया नहीं पढ़ना है, फिर भी लगता है यार एग्ज़ाम के एंड में कुछ चीज़ें ऐसी है याद रह जाए। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम लास्ट मोमेंट पे कुछ पढ़ते हैं और वो आ जाता है। लेकिन सबसे पहली बात, जो हमारा पीएससी एग्ज़ाम है वो नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम नहीं रहता है। पीएससी में क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें जब हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम टेबल पर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी कि जो हमको बहुत अच्छे से आ रहा होता है, हमको हमने हमें उस क्वेश्चन को तो हम हमेशा ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं यार ये तो हम कर ही लेंगे, और वही का वही क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए हो जाता है वो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं होती है तो आँखें बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं, आँखें भारी होती हैं, सिर दुखता है, और एग्ज़ाम हॉल में जाके हम सब भूल जाते हैं। तो वो हमको नहीं करना है, हमको बहुत अच्छे से नींद लेना है। 11:30 तक आप लोग सो जाइएगा। अगर आपका सेंटर आपको दूसरी जगह जाना है, डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो आप और पहले सो ही जाइए। और सुबह उठ के एक बार 5-6 बजे उठ के एक बार रिवीजन में क्या क्या पढ़ लीजिएगा सुबह, मैं अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पूरा आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं, थोड़ा भी पढ़े हैं, एग्ज़ाम था कोरोना के कारण, कम भी पढ़े हैं, तो भी आपका एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हैं। बहुत ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उनका एक प्री नहीं निकलता है, और जो लोग एक सिलेक्टेड पढ़ा हुआ होता है उनका प्री निकल जाता है। तो प्री में कुछ लक भी इन्वॉल्व रहता है, लक का बहुत ज़्यादा जो है रोल रहता है पीएससी में। और सबसे पहले तो आप भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि अब जो है भगवान ही है सब कुछ। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ जितने भी अच्छे लक होते हैं भगवान करे सब आपके साथ हो। जो लोग भी मुझे मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे बहुत सारे कमेंट में इतना प्यार मुझे मिला हुआ है, तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगी आप सभी लोगों का निकल जाए। और सबसे पहले मन में ये बोलिए कि मेरा पेपर तो अच्छा होगा। कुछ 2 लाइनें सुनाती हूँ आपको। हर समस्या सुलझेगी अगर आप उलझना छोड़ दें, हर समस्या सुलझेगी अगर आप उलझना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी अगर आप भटकना छोड़ दें। तो सबसे पहले उलझिए मत, दिमाग में प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। मन में ये सोचिए अरे कल का एग्ज़ाम तो हम निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम क्यों क्या पढ़ा, जो पढ़ना है आपने अपना कर्म कर लिया है, आपने अपनी मेहनत कर ली है, अब केवल जो भी है अब केवल भगवान डिसाइड करेंगे। और कल का पेपर दे करके आके भी टेंशन नहीं लेना यार 70 नहीं आए कि 72 नहीं आए, फिर क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ये अकेला ही कोई आपको मंजिल नहीं दिलाएगा ये प्री। अभी फिर नवंबर में एग्ज़ाम है प्री का, नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी आ रही है उसमें, तो इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लेके जाइए। हाँ हाँ, आपने मेहनत कर ली है अभी तक, आपने अपना 100% दे दिया है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नवंबर वाले एग्ज़ाम के लिए 3-4 महीने फिर हैं हमारे पास, फिर बहुत अच्छे से लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहले टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए, कुछ कुछ लोग लड़कियों की शादी हो चुकी है और वो बहुत छुप के तैयारी करती हैं, तो हस्बैंड उनके चिल्लाते हैं या उनके जो फादर इन लॉ हैं वो उन पे चिल्लाते हैं। कुछ जो लड़के हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो पेरेंट्स चिल्लाते हैं, फीस भर भर के कोचिंग के नोट्स ले लेके परेशान हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा तो उन्हें घबराहट हो रही, अरे यार अब क्या होगा अगर कल नहीं हुआ। तो ये चीज़ें रात भर ये सब चीज़ें मत पालिए, ये सब चीज़ें आपको रात में नहीं आनी चाहिए। देखो अगर आपने पीएससी करने की ठानी है, आप पीएससी करने की सोच रहे हैं, आपने पीएससी करने के लिए थोड़ा भी कदम आगे बढ़ा दिया है, मतलब आप पहले से ही श्रेष्ठ हैं। पीएससी करने के बारे में सोचना ही एक मजबूत कदम होता है। तो आप ये सोचिए कि अरे यार उसका निकल गया पीएससी मेंस, मेरा दोस्त था उसका इंटरव्यू भी निकल गया, उसने 2-4 बार प्री भी दे दिया, 2-4 बार मेंस भी दे दिया है और मेरा नहीं हुआ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो गधा हूँ या मैं तो गधी हूँ, वो सब वो लोग बहुत होशियार हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी आपके इक्वल रहते हैं।
कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ उनके साथ हो जाती हैं और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके साथ हो जाती हैं, तो उस इलेक्शन में आप लोग रह जाते हैं 2-4 नंबर से, और वो आपका जीवन का जो ध्येय रहता है, जीवन की मंजिल होती है, वो डिसाइड नहीं करता है एक एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आप लोगों को यही सोचना है, आप मेरा पेपर तो बहुत अच्छा आएगा, अब तो सब बहुत अच्छा होगा, भगवान है मेरे साथ। जब मेरे साथ भगवान है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है किसी चीज़ की, जब भगवान मेरे साथ है तो तनाव बिल्कुल नहीं रहना है, कूल रहना है। अच्छा कुछ खा के सोइए, हल्का फुल्का खा के सोइएगा, सुबह नाश्ता करके जाइएगा, अगर नहीं करते हैं सुबह नाश्ता, कोई कोई नहीं करता है तो मत करिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, तो अच्छा कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता जो भी लेके जाइएगा। और ये वाली जो लाइन है ये सभी लोगों के साथ रहती है, अरे यार मेरे घर मेरे साथ सिचुएशन अलग है, मेरे घर में बहुत परेशान है, मुझे बहुत घर में प्रेशर रहता है, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ये आपके साथ नहीं है। 99% लोगों के साथ फैमिली का प्रेशर रहता ही है, हर स्टूडेंट जो होता है इस प्रेशर से जूझ ही रहा होता है, और उसको इस प्रेशर से जूझना, अगर ये उसको ये प्रेशर नहीं रहेगा ना तो वो जुनून उसके में नहीं आएगा। कभी भी सुख सुविधाओं में जुनून नहीं आता है, कहीं ना कहीं से हमें कोई बात किसी की चुभती है, पेरेंट्स का जो डर होता है वो हमें कहीं ना कहीं लगता है, डर ऐसा कि हाँ यार मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करके बताना है, तो ये सभी चीज़ें सबके साथ रहती हैं, तो परेशानी सबके साथ रहती है, अकेले आपके साथ नहीं है। तो जो आपके साथ परेशानी है वो दूसरे के साथ भी है, जो आप पढ़ रहे हैं वो दूसरा भी पढ़ रहा है, सब इक्वल है, कोई ये नहीं है कि आज कोई कोर्स पे सिलेक्ट हो और आप 2 नंबर से रह गए हैं तो आप ये नहीं है कि आप उनके इक्वल नहीं हैं, आप भी सबके इक्वल हैं। आपने अगर PSC में आए हैं, स्टार्टिंग भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं तो भी आप श्रेष्ठ हैं, आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, सभी लोग आपके समान हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो दूसरा कर सकता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका मेंटली जो होता है या जो पर्सोना होता है वैसा कि वैसा, आपकी सोच ही आपकी, आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। आज बिल्कुल रात को जब आप सोएंगे तो सोचिए बिल्कुल भगवान के हाथ जोड़ के सोइएगा, सब कुछ अच्छा होगा। एक और बात मैं आपसे बोलूँगी कि सुबह सुबह आप एक चीज़ का रिवीजन करते जाइएगा, जो जितने भी आयोग हैं उस सब आयोगों के कार्यकाल करते जाइएगा, और प्रथम और जो अंतिम है वो अध्यक्ष करते जाइएगा। काल क्या है, किसी किसी का 4 साल है, किसी का 3 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 6 साल है, तो इसमें आप जब वहाँ जाके ज़रूर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। मैं अभी एक लिखकर रात के समय एक वीडियो डाल दूँगी, जो रात में 11 बजे तक पढ़े वो रात में देख लीजिएगा, जो सुबह उठ के पढ़ेगा वो सुबह देख लीजिएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। भूगोल का जो पॉलिटी का मैंने अभी वीडियो डाला था, दिन में 2 घंटे का वीडियो बनाई थी मैंने, अपलोड भी किया था, वो किसी कारण से मुझसे ही डिलीट हो गया, तो वो अपलोड हो रहा है तो आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो वो आप कर लीजिएगा। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइएगा, छोटी वाली पानी की बोतल लेके जाइएगा, सैनिटाइज़र रख के ले जाइएगा, वैसे तो आपको सबको ये पता ही होगा, मास्क लेके जाइएगा, 2 ब्लैक पेन लेके जाइएगा, अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल कूल माइंड में दीजिएगा, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल की एग्ज़ाम टेबल में बैठकर भगवान के सबसे पहले हाथ जोड़िएगा, हो सकता है कल का दिन आपका हो। देखिए ये जो चलता है, हमारा जो जीवन चलता है, कोई एक दिन भगवान हमारे लिए विशेष बनाता है और वो एक दिन आपकी ज़िंदगी बना देता है, कभी भी कोई दिन आपकी ज़िंदगी बिगाड़ता नहीं है, लेकिन हाँ कोई एक दिन ज़रूर होता है जो आपकी ज़िंदगी बना देता है। अगर आपका कल का एग्ज़ाम बुरा भी जाता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अभी आपके पास नवंबर का एग्ज़ाम है, आपके हाथ में सब कुछ है ना, नवंबर में और अच्छी पोस्ट आनी है, तो इतने ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे कूल होके दीजिएगा। आप ये सोचिएगा मैंने तो अपनी तरफ से कर लिया है, दिन रात मैंने मेहनत कर ली है, अब जो है भगवान, अब भगवान की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी के अलावा, उनकी मर्ज़ी के आगे कोई किसी की जीत नहीं है। हम अगर लाख कितना भी पढ़ के जाएंगे तो भी हो सकता है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो नहीं फंसे, क्योंकि जी की अथाह है, और अगर हम नहीं भी पढ़ के जाए, कम पढ़ा है, तो हम हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल मत लाइएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, कूल होके बढ़िया सोइएगा, और मुझे जैसे एग्ज़ाम देके आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा पेपर गया है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा कि हाँ मैम मेरा ये पेपर गया है, ऐसा पेपर गया है, और जैसा भी होगा सब लोगों के रिव्यू लेकर फिर मैं आपको बता भी दूंगी कि कैसा क्या कट ऑफ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी कट ऑफ की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि बिल्कुल कूल रहना है, सब लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। हाँ सबसे बड़ी बात, जब भी आप पेपर देने जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिएगा,
जब आप क्वेश्चन करने आए जाएँ, तो जैसे कि आपने दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा है तो आपको लग रहा है यार मुझसे ये 50-50% मुझे दूसरा तीसरा क्वेश्चन लग रहा है, उनको भी छोड़ दीजिए। क्योंकि पिछली बार मेंस में क्या, सॉरी प्री के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, हृदेश साहा वाला क्वेश्चन आया था, वो हृदेश साहा वाले का आंसर बिल्कुल पीछे ही था, हीरा राजा हीरा सिंह ऐसा राजा हृदेश साहा ने स्थापना की थी, तो वो जो पीछे कोई किसी किसी स्टूडेंट ने क्या किया था उस पर पहले ही टिक लगा दिया था ओएमआर सीट पे, जबकि पीछे ही उसका आंसर भी था। तो एक बार पूरा पर जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं वो सबसे ही बनते हैं जिनने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो वो 50 क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, लास्ट में उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ ये वाला टॉपिक आपने कब पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं से आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो वो कीजिएगा। कुछ भी तुक्का मारने के लिए ये थोड़े दिमाग लगाइएगा कि कोई मतलब ऐसे कीजिएगा कि एलिमिनेट कर सके, मतलब जैसे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको कोई दो पक्के लगते हैं तो वो दो को हटा दो, फिर वो दो में सोचिए कि हाँ इन दो में कौन सा होगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे ना, तो आप अगर तुक्का भी लगाएंगे ना तो वो आपका सही होगा। उनके लिए ज़्यादा अच्छा सोचिएगा जो आपको बिल्कुल कंफर्म है, वो आपको ज़्यादा जो सफलता दिलाते हैं, जो आपको रैंक दिलाते हैं, जो आपका सिलेक्शन कराते हैं, वही कराते हैं जिनका नॉलेज आपको अच्छे से होता है। जैसे मध्य प्रदेश आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो मध्य प्रदेश का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा लगाइएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल खुश रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। अच्छा कीजिएगा, वहाँ पे बिल्कुल कूल माइंड लीजिएगा, सुबह सुबह ऐसे हार्ड एंड फास्ट में बिल्कुल कुछ पढ़ते मत जाइएगा। सुबह एक बार जब उठें, अगर जल्दी उठ जाएं तो एक बार आयोग का जो रिवीजन कर लीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि बाकी सब बहुत अच्छा है। एक आयोग ही छोटा सा टॉपिक है कि आप थोड़ी देर में कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक आयोग पढ़ के जाइएगा, कुछ मत पढ़ के जाइएगा, और भगवान के अगर आसपास मंदिर हो तो मंदिर से होके जाइएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कूल रहिएगा और सोचिएगा कि मेरा तो मेरा ही दिन है और ज़रूर मेरा हो गई होगा। बाकी बातें हम एग्ज़ाम के बाद आके करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। एक बार और सबको ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।